हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 24 अप्रैल 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है एक नेगेटिव मूवमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.55% का नेगेटिव मूवमेंट देखने मिला, 444.10 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाले या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं मंडे के चार्ट पे, बात करते हैं सबसे पहले आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, हाई वॉल्यूम थोड़ा सा हमें यहाँ पे जरूर देखने मिल रहा है फ्राइडे के दिन। कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम साइज की बॉडी बने, दोनों के समय छोटी छोटी विक हमें देखने मिल रही है। RSI की बात करें तो 57-58 के आसपास आ चुका जो हमें यहाँ पे जरूर स्लाइड नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कहीं और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है नेगेटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेड स्टॉक में डाउन साइड जो है अराउंड 436 के आसपास देखने मिला, उसको भी क्रॉस करते गया तो स्टॉक में डाउन साइड जो है वो 423 तक ईजिली आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टॉक में ट्रेंड अभी भी यहाँ पे जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूँगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी तो स्टॉक अभी भी आपको जो अराउंड 427 के आसपास आते हुए देखें मैं जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, बहुत ही बढ़िया बाइंग का लेवल, वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा मैं, तो कहूँगा स्टॉक अभी भी आपको वापस से 384 के आसपास आते हुए देखने में जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, बहुत ही बढ़िया बाइंग का लेवल है। और यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग टर्म का लेवल तो आपको 100% कैपिटल नहीं डालना है, 20-25% तक आप कैपिटल डालें, बाकी कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड यहाँ पे कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बनार के चार्ट में बात करते हैं हमें क्या देखने मिलने वाला है मंडे के दिन। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। कुछ सपोर्ट जोन यहाँ पे जरूर, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो है मार्क्ड है, लेकिन यहाँ पे नीचे के साइड में स्टॉक का हमने कोई जो है बीच में एनालाइज नहीं किया था इस रेंज में, तो इसके लिए जो भी हमें डेटा भी जो देखने मिल रहा है उसके बेसिस में मैं जरूर यहाँ पे मार्किंग जो कर लेता हूँ। तो जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ मैं चाहूँगा आप भी सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग की यहाँ पे मैं बात करूँ तो 443.95 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 443.25 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 445.15 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटजी का जो वीडियो एड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 438.85 का, उसके बाद क्या था 434.95 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 448.10 का, उसके बाद क्या था 450.65 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो है ट्रेड यानी मंडे के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो मेरे ओपिनियन स्टॉक में जरूर पॉजिटिव क्लोजिंग का 445.15 से लेकर 448.10 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो एक्सपेक्टेड है। बाकी यहाँ पे 443 के आसपास जो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग ना हो जाए उस चीज़ का हम जरूर जो है यहाँ पे देखना होगा कि प्री ओपन मार्केट में मंडे के दिन स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि अगर 443 के नीचे अगर यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखें तो स्टॉक नीचे जाके फिर ऊपर आएगा और ओवरऑल फिर एक नेगेटिव क्लोजिंग में देखने फिर मिल सकती है। बाकी
यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे अगर मैं प्योरली बात करूँ तो मंडे के दिन यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रेंज में। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।